नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हरियाणा के जींद से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक सरकारी विद्यालय की करीब 60 छात्राएं प्रिंसिपल की घिनौनी करतूत बताते हुए रोने लगी। छात्राओं ने महिला आयोग, राष्ट्रपति व राज्यपाल को 5 पेज का पत्र लिखा है। छात्राओं ने खुलासा करते हुए बताया कि स्कूल का प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता था। आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन वह अभी भी फरार है। जांच में पता चला कि प्रिंसिपल जिस भी स्कूल में रहता था वहीं पर ऐसी गंदी हरकतें करता था। अब आपको दिखाते हैं, हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। है वो जींद से रिलेटेड है और इस गांव में एक सरकारी स्कूल है जिसके प्रिंसिपल के खिलाफ हमारे पास 60 शिकायतें आई हैं, 60, जिसमें 50 शिकायतें ऐसी हैं लड़कियों की लिखित में, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ फिजिकल मिसयूज हुआ है, और 10 शिकायतें ऐसी हैं जिन लड़कियों ने ये कहा है कि हमें पता है कि ये सर ऐसे हैं और ये छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए हमारे साथ हुई नहीं लेकिन हमें ये बात पता है। तो 60 की संख्या या 50 की संख्या के करीब होना कोई छोटी बात नहीं है। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले राज्य से आते हैं और हमारे राज्य में इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला आयोग दोनों कई बातों में टाई अप करके इसका ध्यान रखते हैं। परंतु यदि शिक्षा का क्षेत्र जहाँ पे ऐसी शिकायत सामने आएगी, मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहाँ पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे वहाँ पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा हमारे सिर पे हाथ फेरा, प्रिंसिपल और उनके बचाव में जो आए थे वो कहते हाथ फेरना तो बच्ची को आशीर्वाद देना होता है। सॉरी, आप सब लोग हैं, आशीर्वाद देने वाला हाथ फेरना और छेड़छाड़ वाला हाथ फेरना, इसमें बड़ा फर्क है। तो जिन भी बच्चियों ने लिख के दिया है उन्होंने फिजिकल मिसयूज, छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बदसलूकी करना, और एक प्रिंसिपल पूरे हरियाणा में कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरों में काले शीशे लगाकर लड़कियों को अंदर बुलाए, ये मुख्य रूप से एक शिकायत है। इस काले शीशे को हटवा दिया गया है, उसका हमने सबूत रखा। विजय लक्ष्मी नाम से DEO जो उस क्षेत्र की पहले थी, अब चेंज हुई है, उस DEO ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी, उनके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे, वो अपनी सफाई पेश करें। हमने तुरंत प्रभाव से 13/9 को हमारे पास शिकायत आई, हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई, 29/10 तक लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कॉन्टैक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार SP से बात की और विद इन 24 आवर्स FIR दर्ज करने के ऊपर कहा। मैं FIR दर्ज तो की, लेकिन FIR दर्ज होते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, जब जैसे ही FIR दर्ज होती है लोग भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं या जो भी मामला होता है। अब हमने कल 2 तारीख को जो निकल गई, हमने इस पे सबको बुलाया था, जिसमें DEO, लेटेस्ट DEO आई ज्योति, और पुलिस के अधिकारी आए, DSP अमित भाटिया आए और SHO और IO जो इसके इससे रिलेटेड है वो भी पहुंची, परंतु प्रिंसिपल हाजिर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने अपने बेटे और कोई अपने भतीजे को यहाँ भेजा। हमने पूरा दिन उनको बिठा के रखा और मौका दिया कि आप बात करके उनको ढूंढ कर लाएं, लेकिन नहीं लाए। आपको मुख्य रूप से ये सारी बातें बताने का और
आज खास तौर से ये बात बताने का मतलब ये था हमारा और मकसद कि कल रात को हमें फिर से कुछ फ़ोन्स आए हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए बेटियों ने कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या करोगी, इस शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये स्कूल ने किया है, पुलिस ने किया है, ये जानकारी हम ले रहे हैं जल्द, लेकिन आपके माध्यम से मैं DGP हरियाणा से निवेदन कर रही हूँ, SP सुमित कुमार से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। उसके पास 5 अननोन फोन्स पाए गए प्रिंसिपल के पास, जिनमें 2 को सिर्फ फैमिली को पता है, 3 फोन्स अननोन हैं। ये क्यों है अननोन फोन्स जो फैमिली को भी नहीं पता? उन फोन से ये बच्चियों को फ़ोन करता था, मैसेज करता था, चैट करता था। कौन सा प्रिंसिपल अपनी स्टूडेंट्स के साथ चैट करता है और रबिश चैट करता था? उस सब के सबूत हमारे पास हैं। मैं सहयोग चाहती हूँ कि ऐसे केसेस को हाईलाइट करें, ऐसे प्रिंसिपल्स को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से बेटियों की पढ़ाई रह जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन और सरकारें बदनाम होती हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल के खिलाफ तुरंत प्रभाव से DGP कार्रवाई करें, ये मैं आपसे आज बोलना चाह रही थी। DEO कल नहीं पहुंची, हमने दोबारा उनको समन करने की बात सोची है, और बच्चियों को भी नहीं लाया गया, जो कि हमने आदेश दिए थे कि बच्चियों को। बेसिकली हमारे पास 15 बेटियों की शिकायत आई थी जो 13-9 को आई थी, तो हमने 15 बच्चियों को पुलिस कस्टडी में सुरक्षा के साथ यहाँ बुलाया था। बाद में हमें पता चला, हमारे पास पूरी फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये फाइल, ये 60 बेटियों के बयान हैं, वन बाय वन नाम आ जाएगा जी, ये 60 बच्चियों के बयान हैं। अफकोर्स नाबालिग है, 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, पॉक्सो एक्ट है। ऐसे मामले में देखा जाता है कि जैसे पुलिस की जो भूमिका, अभी भी आपने कहा कि आपने संज्ञान लिया, FIR हुई, क्या जो पुलिस अधिकारी है जो जिनकी मनी भुगत रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको प्रेशराइज करना। कल किसने प्रेशर किया है, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूँगी, SP से, कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका DSP, आपकी सिटिंग DEO यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो सुमित कुमार पर ये सवाल उठता है, DGP कपूर साहब से मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन बच्चियों को प्रेशर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? FIR दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3 दिन या 2 दिन लापरवाही क्यों हुई कि उसको भागने का मौका मिला? गवर्नमेंट स्कूल है, कोई मेडिकल वगैरह कराया या कुछ अभी तक बच्चियों का? नहीं, बच्चियों ने, बिचारियों ने तो शिकायत ही 1.5 महीने बाद हमें दी है। उनके साथ जो जो होता रहा, क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसमें उन्होंने 31/8 को ये लिखी है। आप सोचिए, जिन्होंने 31/8 को लिखी होगी तो उनके साथ 1.5 महीना पहले से ये सब बदसलूकी हो रही होगी, लेकिन उनका मन नहीं बन पा रहा होगा, वो बच्चियां हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी बात रखें कहाँ। और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है, दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन, 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं, हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है, और 14 को हमने पुलिस को भेज दिया। 14/9 से लेकर 29/10 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने SP को कॉल किया तो कार्रवाई हुई, तब कहीं जाके उसको FIR दर्ज करते हैं। आपको बोला है कि कलेक्ट करके लाएं,
और दो का तो हमें पता चल गया है कि इससे पूर्व दो स्कूलों में जहां पर थे आसपास के ही गांव में, उनमें भी उनका रिकॉर्ड खराब था। काले शीशे रखना, काले शीशे का तो नहीं कह सकती, बट बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करने का। जो हमारे पास धाराएं हैं वो 341 है, 342 है, 354A आईपीसी 10 पॉक्सो एक्ट के तहत है। तो पॉक्सो एक्ट इस व्यक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि बेटियां बड़ी हों या छोटी हों, पॉक्सो में आती हों या ना आती हों, किसी भी उम्र की बेटियां हों, किसी भी जाति की बेटियां हों, किसी भी स्तर की बेटियां हों, उनका सपोर्ट हम सबको करना चाहिए। और मुझे आप मीडिया वालों से भी बहुत उम्मीद है कि इस चीज़ को आप आगे तक एस्केलेट करेंगे ताकि इस इन बच्चियों को न्याय मिल सके और आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। ऐसी घटनाओं से तो ये लगता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं कई स्कूलों में, सुनने में अभी भी हिसार में ऐसी घटना। इसीलिए मैंने कहा जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या पुलिस प्रशासन या दिलमुल भैया अपनाए हुए हैं या आरोपियों की मदद कर रहा है? जो मुझे पता लगा कि डीईओ को शिकायत गई पर उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। एक कोई महिला टीचर का भी नाम आ रहा है, अभी हमारे पास क्लियर नहीं है वो कि वो उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करती थी। वो महिला टीचर कौन है, हम उनको भी लेकर आएंगे सामने। मैम आज एक और मामला आया है हरियाणा में ही सामने, स्कूल का कोई टूर गया था 71 बच्चों का, उसमें डीन ने कुछ बच्चियों के साथ बदतमीजी की। इसको अभी मैंने पूरा पूछने के लिए बोला है क्योंकि जब तक मेरे पास उसकी पूरी डिटेल नहीं है मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन जहां पर भी इस तरह की हरकत होती है बेटियों के साथ वो शर्मिंदगी की है। उन बेटियों से करने से बेहतर आपके माध्यम से पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये मैसेज जाए कि ऐसी बेटियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। महिला आयोग हर तरह से आपके साथ है। यदि आपको वो स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं, आपको फेल करने की धमकी देते हैं, आपको किसी तरीके से हरास करने की धमकी देते हैं, महिला आयोग पूरे तरीके से आपके साथ है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आप खुलकर हमारे साथ आएं, हम आपके नाम उजागर नहीं करेंगे लेकिन आपसे जानकारी पूरी लेना चाहेंगे। और 14 तारीख को मैंने खुद बेटियों से मिलने की विजिट रखी है।